नमस्कार बच्चों, विद्यार्थियों के लिए वह कौन सी योग क्रिया है जिनसे आप स्वस्थ रहें? चलिए समझते हैं। सबसे पहले जब आप सो के उठते हैं तो अपने बेड पर चौकड़ी मारकर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। परमात्मा को इस सांस के लिए धन्यवाद करें और अपने आप से बातें करें कि मैं भगवान का एक अंश हूँ, भगवान मेरे साथ हमेशा अच्छा करेंगे। आज के दिन की शुरुआत करने के लिए भगवान को धन्यवाद दें और कहें आई एम द बेस्ट। चलिए पहला योग आसन करते हैं, ताड़ासन। ताड़ासन हमेशा आरंभ में किया जाता है। एड़ी और पंजे मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सीने के सामने लाएं, बैलेंस बनाते हुए गहरा सांस भरना है और हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है, एड़ी उठाना है और पंजों को टिकाना है, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, सांस को छोड़ते हुए हाथ वापस लेकर आना है और शरीर को ढीला छोड़ देना है। ताड़ासन से आपके शरीर में फुर्ती आती है और हाथ पैरों की मसल्स मजबूत होती हैं। दूसरा आसन हम करेंगे, विभक्त पाद आसन। विभक्त पादासन हमारे शरीर को मॉडिफाइड करता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और यह चेहरे को सुंदर बनाता है और शरीर में ऊर्जा भरता है। इस आसन से ब्रेन, कान, आंखें स्वस्थ रहती हैं। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को कंधे की चौड़ाई में खोलना है, सर, गर्दन, बाजू आगे की ओर ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़िए, नीचे आइए और नीचे, कोई प्रयास नहीं करना। नॉर्मल सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। इन्हीं दोनों आसनों का अभ्यास करें। धन्यवाद।